नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुरुकुल कुरुक्षेत्र और गुरुकुल के नीलोखेड़ी के डिफरेंसेस के बीच में। तो बहुत सारे पेरेंट्स, क्योंकि अब सैनिक स्कूल का एग्जाम ऑलरेडी हो जाता है, जब सैनिक स्कूल का आरएमएस का हो जाता है, तो एक जो इम्पोर्टेंट चांस हमारे स्टूडेंट्स के पास होता है, पेरेंट्स के पास होता है, वो होता है गुरुकुल कुरुक्षेत्र और गुरुकुल नीलोखेड़ी। और सबसे अच्छी बात यह कि दोनों ही गुरुकुल की ब्रांच है, तो पेरेंट्स के अंदर एक बड़ी एक्साइटमेंट होती है। काफी पुराना, आपको पता है गुरुकुल एक बहुत ही पुराना ब्रांड है, बहुत ही पुराना ब्रांड है, तो पेरेंट्स हमेशा एक्साइटेड रहते हैं कि यार अगर इनमें से किसी भी स्कूल में बात बन जाए तो मजा आ जाए, बच्चों का काम बन जाए, है ना। तो जिस तरीके से सैनिक स्कूल है वो आपको डिफेंस के लिए प्रिपेयर करता है, मिलिट्री स्कूल आपको प्रिपेयर करता है, ठीक वैसे ही आपका गुरुकुल है। गुरुकुल का मॉडल भी सेम है ना। अब बस ये है कि गुरुकुल में एक स्पेशलाइजेशन है कि गुरुकुल में आपको एनडीए के साथ साथ अगर आप आगे चल के डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो मौका भी मिलेगा आपको, उसकी ब्रांच अलग है। अगर आप आगे चल के इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसका भी चांस मिलेगा। गुरुकुल में थोड़ा सा वेराइटी ज्यादा है, ये एक अच्छी चीज है। और मजेदार बात यह कि गुरुकुल जो है लड़कों का अलग है, लड़कियों का अलग है, तो पेरेंट्स के लिए एक और बड़ा बेनिफिट मिल जाता है कि अगर कल को मान लीजिए बच्चा डिफेंस में नहीं जाना चाहता, सही है, अगर बच्चा डिफेंस में नहीं जाना चाहता तो उसके पास एक चांस है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, वो चांस आपको गुरुकुल कुरुक्षेत्र देता है अलग से। यहाँ पे अलग अलग ब्रांचे हैं, है ना। तो आज की इस वीडियो में आपको डिफरेंसेस बताऊंगा। जैसे गुरुकुल कुरुक्षेत्र है वो करीब करीब 109 साल पुराना स्कूल है, 109 साल, 13 अप्रैल 1912 में इसकी स्थापना की गई थी। तो काफी पुराना बोर्डिंग स्कूल है और इसीलिए पेरेंट्स जो है, हम लोग जो है, वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। गुरुकुल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि 109 साल पुराना स्कूल, जबकि गुरुकुल कुरुक्षेत्र और गुरुकुल नीलोखेड़ी जो है वो उसकी ब्रांच है। तो गुरुकुल अब अपनी बहुत सारी ब्रांचें खोल रहा है, क्योंकि टाइम बाय टाइम गुरुकुल की जो डिमांड है वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, बहुत तेजी से, है ना। तो क्योंकि अब गुरुकुल कुरुक्षेत्र पुराना स्कूल है, वहां पे अब सीट्स कई बार बहुत कम सीट्स होती हैं, तो गुरुकुल नीलोखेड़ी हो गया या लड़कियों के लिए चमन वाटिका गुरुकुल हो गया, बहुत सारे अलग ऑप्शंस भी अब आ चुके हैं। अगर हम लोग लोकेशन की बात करें तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र जो है वो आपका हरियाणा में कुरुक्षेत्र एक जगह है वहां पे है, और गुरुकुल नीलोखेड़ी नाम से आपको पता चल रहा है कि हरियाणा में करनाल डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जिसका नाम नीलोखेड़ी है वहां पे, यानी दोनों के दोनों, अच्छी बात क्या है कि दोनों के दोनों ही कहां पर है, आपको हरियाणा में मिल जाएंगे। अगर हम लोग आगे चल के बात करें रजिस्ट्रेशन डेट की, तो जब आप गुरुकुल में एडमिशन करवाएंगे तो मार्च के सेकेंड वीक तक इसका रजिस्ट्रेशन चल रहा होता है, ऑनलाइन प्रोसेस है, जबकि गुरुकुल नीलोखेड़ी अपना एडमिशन पहले ही क्लोज कर देता है, फरवरी के थर्ड वीक में क्लोज कर देता है, ठीक है जी, और थर्ड वीक में इसका एग्जाम भी हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का एक बड़ा ही जबरदस्त गोल्डन स्टेटमेंट आ चुका है हमारे सामने, और ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए है, जो बच्चे बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहते हैं, उठो जागो और तब तक मत रुकना, ठीक है, तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए, है ना। तो ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए, और आपको पता ही है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बहुत ही, तो आपको ये जो गोल्डन स्टेटमेंट है मैं वीडियोस में जरूर डालता हूं, ताकि जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो ये अपने दिमाग में वो गांठ बांध करके डाल लें, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको आपकी मंजिल प्राप्त ना हो जाए, सही है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको बहुत बड़ा सपना देखना है ना, और उसके अकॉर्डिंगली आपको मेहनत करनी है। एंट्रेंस एग्जाम डेट की बात करें तो गुरुकुल का जो पेपर है वो फोर्थ वीक में कंडक्ट किया जाता है मार्च में, और गुरुकुल नीलोखेड़ी का जो पेपर है वो थर्ड वीक में कंडक्ट किया जाता है फरवरी में, तो दोनों में करीब एक महीने का गैप है, दोनों का फॉर्म एक साथ निकलता है, पेपर गुरुकुल का मार्च के लास्ट वीक में होता है फोर्थ वीक में, और नीलोखेड़ी का जो पेपर है वो थर्ड वीक में होता है, सही है जी। तो आगे चलते हैं, अगर हम लोग रिजल्ट की बात करें तो गुरुकुल का जो रिजल्ट है वो भी पेपर के अगले दिन ही आ जाता है, ठीक है, गुरुकुल नीलोखेड़ी का जो पेपर है वो भी सेम डे आ जाता है। तो अच्छी, सबसे अच्छी चीज क्या है कि जैसे सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का जो रिजल्ट है वो पेपर के ठीक एक महीना बाद आता है, ठीक है जी। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि सर सैनिक स्कूल का रिजल्ट कब आएगा, मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट कब आएगा, जैसे ही पेपर होगा। तो मैं आपको बता दूं, सैनिक और मिलिट्री स्कूल का जो रिजल्ट है वो पेपर के ठीक एक महीने बाद, ठीक प्रॉपर 30 डेज के बाद आपका आ जाता है। गुरुकुल की खासियत क्या है कि गुरुकुल की जितनी भी ब्रांचें हैं,
चाहे वो गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, चाहे वो गुरुकुल नीलोखेड़ी है, चाहे वो चमन वाटिका गुरुकुल है, चाहे वो गुरुकुल ज्योतिसर है, इनका रिजल्ट साथ के साथ आ जाता है, सेम डे आ जाता है, ठीक है, या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आ जाता है। तो पेरेंट्स के लिए अच्छी चीज क्या कि आप साथ के साथ पेपर दिलवाया, रिजल्ट आया और आपने एक एडमिशन अमाउंट जो होता है 20,000 रुपए दे करके अपना सीट बुक करवा लिया, ताकि आप भी टेंशन फ्री हो गए, बच्चा भी टेंशन फ्री हो गया। आगे चलते हैं, अगर हम लोग बात करें गुरुकुल कुरुक्षेत्र का काउंसलिंग की बात करें, तो काउंसलिंग जो है जैसे ही आपका एडमिशन प्रोसेस हो जाता है, साथ के साथ आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, और गुरुकुल कुरुक्षेत्र और गुरुकुल नीलोखेड़ी दोनों में ही काउंसलिंग प्रोसेस सेम है, सही है। और 500 रुपए जो होता है वो फॉर्म की फीस है, गुरुकुल में भी 500 रुपए फॉर्म की फीस है, गुरुकुल नीलोखेड़ी में भी फॉर्म की फीस 500 रुपए है। ये देखिए एक मजेदार गोल्डन स्टेटमेंट आ चुका है, सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो अगर कोई मेहनती आदमी है, कई बार पेरेंट्स पूछते हैं कि सर अगर बच्चा 1 साल तैयारी करके पक्का हो जाएगा, 2 साल तैयारी करके पक्का हो जाएगा, तो मतलब सोचो कहीं ना कहीं आपका सवाल ही गलत है। और अगर 2 साल तैयारी करके भी अगर आपके बच्चे का नहीं हो रहा है, तो आप खुद ही सोचो कि कमी कहां पे रह गई है। तो ऐसा बहुत ही रेयरेस्ट होता है, ठीक है, अगर कोई बच्चा लगातार, देखो क्योंकि हिंदुस्तान में कॉम्पिटिशन बहुत है, ठीक है, तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, सीट्स बहुत कम है, तो अगर आपका बच्चा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल एक मैराथन रेस की तरह धीरे धीरे तैयारी करेगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सैनिक में नहीं होगा तो मिलिट्री में होगा, नहीं तो गुरुकुल में होगा, नहीं तो आपके लिए सेंट्रल हिंदू स्कूल है, कहीं ना कहीं आपके बच्चे के, देखिए हर बच्चे का लेवल एक जैसा नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं, तो सक्सेस की यही खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो अगर आपका बच्चा मेहनत करता है, ठीक है, तो आपको उसका फायदा आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों का फायदा आपको जरूर होगा, ठीक है। और वो बच्चे जो हॉस्टल में नहीं आ सकते हैं, ठीक है, जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर नहीं है तो आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर लेकर के भी तैयारी कर सकते हैं, घर पे बैठ करके आपका बच्चा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर लेकर के तैयारी कर सकता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि अभी प्री एडमिशन ऑफर चल रहा है, आपको पता है अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, तो जो भी बच्चे 31 जनवरी से पहले पहले एडमिशन करवा लेंगे, आप एक बार कॉल करो, पता करो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, हमारे काउंसलर्स आपकी मदद करेंगे, और वही काउंसलर आपके कोच हैं, वो पूरे साल भर आपके साथ लगे रहेंगे। आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, बच्चा आपका ऑनलाइन क्लासेस लगा रहा है, ऑफलाइन क्लासेस लगा रहा है, कभी भी कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है, वो आपको पूरे साल भर हमारे काउंसलर आपको सपोर्ट करेंगे, क्लियर है जी। तो आप प्री एडमिशन ऑफर एक बार कॉल करो, पता करो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे के बीच में, कि अगर हम अभी एडमिशन करवाते हैं, जनवरी में एडमिशन करवाते हैं 31 जनवरी से पहले पहले, तो हमें 2 महीने की फ्री क्लासेस कैसे मिलेगी। तो यानी आपको प्रॉपर फरवरी का पूरा महीना, मार्च का पूरा महीना आपको फ्री ऑनलाइन क्लासेस आपको मिल जाएंगी, आपका बच्चा 2 महीने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकता है, और आपको अप्रैल वाले सेशन के लिए एडमिशन मिल जाएगा, सही है। तो उसमें आपका फीस भी उतना ही लगेगा, और आपको 2 महीने यानी आपको पूरा फरवरी और मार्च की क्लासेस प्रॉपर फ्री में मिल जाएंगी। तो आप कॉल करके जानकारी जरूर लो, एक बार कॉल करो, पता करो, 31 जनवरी लास्ट डेट है एडमिशन करवाने की, सही है, प्री एडमिशन ऑफर चल रहा है। आगे चलते हैं, अगर हम लोग फीस स्ट्रक्चर की बात करें, तो गुरुकुल का जो फीस है वो बहुत कम है, 8,000 रुपए पर मंथ का इसका खर्चा आता है। अगर हम लोग इसमें बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस ये सारा जोड़ लें, सही है जी, यूनिफॉर्म, क्योंकि 6-7 तरह की बच्चों को यूनिफॉर्म मिलता है, स्टेशनरी का सामान मिलता है, बुक्स मिलती है, तो ये सारा अगर हम लोग जोड़ लें तो गुरुकुल में पढ़ाई लिखाई का जो खर्चा है वो 1,40,000 1,50,000 रुपए तक आता है। जबकि गुरुकुल नीलोखेड़ी जो है वो आपका पूरा वहां पे एसी वगैरह लगा हुआ है, सिस्टम थोड़ा सा और हाईफाई है, मॉडर्न गुरुकुल है, तो एसी वगैरह लगने की वजह से वहां पे थोड़ा सा फीस ज्यादा है, और आपका जो खर्चा है वो करीब करीब 1,90,000 रुपए से लेकर के 2,00,000 रुपए तक आता है। तो गुरुकुल का फीस थोड़ा सा आपको बढ़ जाएगा, तो चाहे वो गुरुकुल नीलोखेड़ी है, चाहे वो चमन वाटिका गुरुकुल है, चाहे वो गुरुकुल ज्योतिसर है, यहाँ पे फीस आपका करीब 2 लाख तक जाएगा। जबकि गुरुकुल कुरुक्षेत्र, क्योंकि वहां पे एसी वगैरह नहीं है, ठीक है, तो वहां पे आपका फीस थोड़ा सा कम रहेगा और काफी पुराना है,
तो थोड़ा सा उसमें फर्क आ जाएगा। अगर हम लोग फीस में किसी कंसेशन की बात करें तो गुरुकुल में तो सीट ही नहीं मिलती है। कंसेशन तो बहुत दूर की बात है, अगर गुरुकुल में एडमिशन मिल जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। जबकि गुरुकुल नीलोखेड़ी में अगर भाई बहन वगैरह हैं या सिबलिंग्स वगैरह हैं तो वहां पे आपको अगर एक परिवार से बच्चा आ रहा है तो आपको करीब करीब 5,000 रुपए का आपको कंसेशन दिया जाता है। ये बहुत अच्छी चीज है। और आगे चलते हैं, अगर हम लोग बात करें गुरुकुल में हॉस्पिटल वगैरह की, तो गुरुकुल में जो गुरुकुल कुरुक्षेत्र है वहां पे तो बहुत अच्छा 30 एसी रूम का और 30 एयर कूलर रूम का एक प्रॉपर हॉस्पिटल बना हुआ है। सही है, क्योंकि गुरुकुल में बच्चा बहुत ज्यादा है, गुरुकुल में बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो उसके हिसाब से गुरुकुल में व्यवस्था की गई और बहुत ही जबरदस्त व्यवस्था की गई है। सही है। लेकिन अगर हम लोग बात करें गुरुकुल नीलोखेड़ी में, तो गुरुकुल नीलोखेड़ी में एक छोटा सा हेल्थ केयर सेंटर बना हुआ है, लेकिन अगर मैं बोलूं बहुत बड़ा हॉस्पिटल टाइप तो ऐसा कुछ वहां पे नहीं है। दोनों में फर्क है, क्योंकि गुरुकुल कुरुक्षेत्र में बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। सफलता की सामग्री में शिक्षा मुख्य तत्व है। तो अगर आपको सफल होना है तो आपको शिक्षित होना ही पड़ेगा। अगर आप शिक्षित नहीं है आप सफल नहीं हो सकते, या आप थोड़ा बहुत सफल हो सकते हैं लेकिन आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक नहीं जाएंगे। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, हर चीज में आपको एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो स्कूल में टीम है, उनको लगातार ट्रेनिंग देना पड़ता है, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो काउंसलर हैं, चाहे वो सेल्स की टीम है, चाहे वो मार्केटिंग की टीम है, कोई भी टीम है ना, चाहे वो यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाली टीम है, चाहे वो एडिटिंग वाली टीम है, चाहे बच्चों के लिए पीपीटी बनाने वाली टीम है, सभी लोगों को प्रॉपर हर स्टेज पर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको सफल होना है तो आपको शिक्षित होना ही पड़ेगा, और एक अच्छी एजुकेशन की जरूरत है, आपको क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है। आगे चलते हैं कुछ अचीवमेंट्स की अगर बात करें तो गुरुकुल की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, ठीक है। और गुरुकुल के पास बहुत सारे टाइटल हैं, नंबर वन बोर्डिंग स्कूल ऑफ हरियाणा, सही है। लगातार पिछले 5 सालों से गुरुकुल को बहुत सारे टाइटल दिए गए हैं, जबकि जो गुरुकुल नीलोखेड़ी है वो अभी नया है, तो उसके बारे में, क्योंकि अभी 2015-2016 में ही इसकी स्थापना हुई है। हेल्पलाइन नंबर, आपके मन में अगर गुरुकुल से जुड़ा कोई भी सवाल आता है आप डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, डायरेक्ट उनको कॉल करके आप डिटेल में बातचीत कर सकते हैं। सही है। तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र और गुरुकुल नीलोखेड़ी दोनों का आपको हेल्पलाइन नंबर, और अगर आपको कहीं पर डाउट आता है तो आप हमारे काउंसलर के साथ जुड़ सकते हैं। काउंसलर के साथ जुड़ने का यही फायदा है कि वो आपको लगातार पूरे साल भर आपको पूरा टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। कभी भी कोई फॉर्म निकलेगा, एडमिट कार्ड निकलेगा, कोई भी फॉर्म, आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, कोई फॉर्म पेपर पोस्टपोन्ड हो गया, कैंसिल हो गया, वो सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिलेंगे। वेबसाइट की बात करें तो www.gurukulkurukshetra.com, और अगर हम लोग नीलोखेड़ी की बात करें तो www.gurukulnilokhedi.com, ये दोनों की वेबसाइट है, तो आप वहां जाएंगे और डिटेल में आप चेक कर सकते हैं। जिंदगी में अगर लक्ष्य बड़ा हो तो संघर्ष भी बड़ा करना पड़ेगा। जितना बड़ा लक्ष्य उतना बड़ा संघर्ष, जितने बड़े सपने उतने ही ज्यादा आपको नॉलेज की जरूरत है, उतनी बड़ी आपको टीम की जरूरत है, सही है, उतनी ही ज्यादा आपको स्किल सेट आपको चाहिए, माइंडसेट चाहिए। तो जितना बड़ा आपका गोल होगा, जितना बड़ा आपका टारगेट है आपके पास, उतनी आपको उतनी बड़ी टीम चाहिए, आपको उतनी ज्यादा नॉलेज चाहिए, सही है, आपको अपने आसपास उतने ही ज्यादा टैलेंटेड लोग रखने पड़ेंगे, आपको अपने आसपास का और ऐसा बनाना पड़ेगा जो लोग आपको आगे बढ़ने में मदद करें। लक्ष्य छोटा है तो आपको कुछ जरूरत है ही नहीं, सही है। तो आप जितना बड़ा अगर आप लक्ष्य देख रहे हैं, ऑफिसर बनने का या आप डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, जो भी आपका लक्ष्य है, और आपको खुद तय करना है जितना बड़ा गोल आप रख सकते हैं आपको उतना बड़ा गोल रखना है, जितना बड़ा आप जितना बड़ा सोच सकते हैं मैक्सिमम, और तभी आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर पहुंच पाएंगे। एक गाड़ी ले लेना, एक घर बनवा लेना, ये कोई लक्ष्य नहीं है, समझना है, सही है। आगे चलते हैं, तो अगर आप स्कूलिंग प्रोग्राम के बारे में, आप बोर्डिंग स्कूल में आना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्री एडमिशन ऑफर, सही है। तो कुछ पेरेंट्स के हमारे सवाल जवाब ले लेते हैं। बेबी कुमारी जी का सवाल है, सर मेरा एडमिशन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, जो क्यों नहीं होगा। और अगर आप लोग अभी एडमिशन लेते हो 31 जनवरी से पहले पहले, तो आपको पूरा फरवरी और पूरा मार्च आपको 2 महीने प्रॉपर गुरुकुल की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने का मौका आपको मिलेगा। स्नेहा शैली जी का मैसेज, सर
एमएनएस राय के फॉर्म कब निकले? देखिए, राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म इस साल अभी तक नहीं निकल पाया है। हम लोग भी बहुत हैरान है, बहुत परेशान है, क्योंकि लगातार पेरेंट्स का, मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे ऑल, क्योंकि मुझे, मैं 2015 से वीडियोस बना रहा हूँ, तो बड़ी समस्या का जो कारण है कि हर रोज, मैं आपको बता रहा हूँ, हजारों कॉल्स आती हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। जैसे इस बार अचानक से सैनिक स्कूल का देखो पेपर था, बीच में पेपर आपका कंडक्ट हो गया, है ना, तो ये चीजें कभी भी हो जाती है। लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था, पेपर आपका जरूर होगा, एडमिशन आपका जरूर होगा। लास्ट ईयर भी आपने देखा था, जून से लेकर के जनवरी तक प्रॉपर स्कूल्स खुले रहे, बच्चों की क्लासेस चलती रही, तो अब जो है वो लॉकडाउन बहुत ज्यादा लंबा नहीं लगेगा, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, हेमंत जी का मैसेज है, सर राय स्पोर्ट्स स्कूल में एज क्राइटेरिया कितना है और कौन सी क्लास में फॉर्म भर सकते हैं? देखिए, फोर्थ क्लास में बहुत इजीली एडमिशन हो जाता है, 8 से 10 साल का बच्चा होना चाहिए, फोर्थ क्लास में बड़े आराम से एडमिशन मिल जाता है। वैसे तो फोर्थ से लेकर 11th क्लास तक एडमिशन होता है, लेकिन क्या है कि फोर्थ क्लास में उन्हीं बच्चों को एडमिशन, फोर्थ क्लास में जो एडमिशन है वो इजीली मिल जाता है। फिफ्थ से लेकर के 11th क्लास के बच्चों के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। मयंक राय जी का मैसेज है, क्लास 11th में गुरुकुल का सैंपल पेपर फ्री कहां पे अवेलेबल होगा? वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, वीडियो के नीचे आपको लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाइए, क्लिक करो और आपको 5 से 6 दिन के अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पिछले 10 सालों के सॉल्ट सैंपल पेपर, कोई भी एक, चाहे गुरुकुल का ले लो, चाहे आप सैनिक स्कूल का ले लो, चाहे आप मिलिट्री स्कूल का ले लो, जो भी आपको पसंद हो वो आप ले सकते हो, कोई भी एक सैंपल पेपर आप ले सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो आप प्रॉपरली ऑनलाइन क्लासेस हो गई या प्रॉपर 15 बुक्स का सेट ले सकते हैं, सही है जी। आगे चलते हैं, तो बेबी कुमारी जी का मैसेज, सर मैं क्लास 9th में मार्च में आऊंगा तो 9th क्लास में एडमिशन हो जाएगा? बिल्कुल जी, आपकी प्रॉपर अप्रैल में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी प्रॉपरली, तो कोशिश यही करो कि आप जितना जल्दी हो सके अपना जो एडमिशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करवा लो, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल में हमेशा लिमिटेड सीट्स होती हैं। आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी बोर्डिंग स्कूल में चले जाइए, बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो प्रॉपर वहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है, रिटन टेस्ट होगा, पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होता है, पेरेंट्स से मिला जाता है, उनको पूरी काउंसलिंग की जाती है, उनका इंटरव्यू लिया जाता है, है ना, और इंटरव्यू के दौरान जो कमी पेशी लगती है पेरेंट्स को, वो सारा गाइड किया जाता है। मयंक राय जी का मैसेज है, 11th क्लास गुरुकुल कुरुक्षेत्र, देखिए कम से कम 80% का टारगेट आपको लेना पड़ेगा, चाहे वो गुरुकुल का पेपर है, चाहे वो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का पेपर है, सही है जी। तो वो आपको, मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो आपको साथ के साथ लेकर के चलना पड़ेगा। आगे चलते हैं, क्लास 9th गुरुकुल का एप्लीकेशन फॉर्म 10 मार्च 2022 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। उमंग यादव जी, गुरुकुल में एडमिशन इंटरव्यू होता है? देखिए, जितने भी अच्छे स्कूल हैं वो बिना इंटरव्यू के, बिना मेडिकल के, बिना रिटन एग्जाम के कोई भी एडमिशन नहीं लेता, सही है। तो अगर आप हमारे भी स्कूल में आएंगे तो प्रॉपर आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, आपका इंटरव्यू होगा, पेरेंट्स से मिलेंगे, पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होता है, उसके बाद ही एडमिशन होता है। तो 31 जनवरी लास्ट डेट है, ठीक है। प्री एडमिशन ऑफर चल रहा है जिसमें आपको फरवरी और मार्च आपको प्रॉपर 2 महीने ऑनलाइन क्लासेस फ्री मिल जाएगी इस साल के लिए, और आपका अप्रैल में एडमिशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा, सही है जी। तो आशा करता हूं कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे, सेम टाइम।